हेलो गाइस, विशाल राज एंड वेलकम टू दी माय चैनल। आज मैं आया था इंडिया गेट, आपने जस्ट देखा होगा जैसा कि मेरे पीछे। तो मैं मेट्रो से आया था, दिल्ली के व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है जो बाहर का है। मैं उन्हें बता दूं कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा अगर आप इंडिया गेट आते हो तो, सेंट्रल सेक्रेटरी के नाम से है और बस भी आती है दिल्ली की DTC काफ़ी। तो मैं बस वहीं था और आप मेरे पीछे व्यूज़ देख रहे हैं कितने अच्छे हैं। और अभी चलता हूँ मैं, आप इस साइड जाओगे तो इस साइड पड़ेगा आपको राष्ट्रपति भवन और ये सारा एकदम न्यू हुआ है, पूरा मस्त कर दिया आप जैसे कि देख रहे हो। और जो जगह जगह खाने की चीज़ें बेचते थे इधर उधर थकेल लगा के ठिए लगा के, वो सब बंद कर दिया, बस पार के बैठो घूमो और मस्त। सो गाइस, फिलहाल व्यू कुछ इस तरह इंडिया गेट का, वहाँ है राष्ट्रपति भवन और ये अपना राजपथ जो अब कर्तव्य पथ है और यहाँ बैठने की व्यवस्था कर रखी है, ऐसे मस्त बना रखा है। फाउंटेन थे बड़े बड़े, शायद वो हटा दिए, ये वाले लगा रखे हैं और वो है पुल बना रखे हैं ऐसा क्रॉस करने के लिए। और एकदम मस्त है यार, सच में जो आप सामान बेचते थे आपको वो भी नहीं दिखेंगे ढकेल या रेडी लगा लगा के। अब लास्ट या स्टार्टिंग में एक कोर्ट बना रखा है, फूड कोर्ट, वहाँ जाके आप खा सकते हो। तो फिलहाल हम जा रहे हैं कर्तव्य पथ पर और इंडिया गेट की तरफ और व्यूज आ रहे एक नंबर है, सच में मस्त। पीछे राष्ट्रपति भवन ये देखिए, इधर पहले ना बालू डाल रखी थी तो ये पक्का कर दिया एकदम मस्त, लेकिन चैन अब भी नहीं हटाई है, चैन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पहले बालू होती थी और यहाँ परेड निकलती है 26 जनवरी की, लेकिन ये पक्का कर दिया, मस्त लग रहा है। लाइटिंग लगा रखे, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं इधर साइडों में, ढकेल पे सामान वामान बेचते थे ना, चिप्स पानी पानी वानी वो सब हटा दिया और सामने आपको दिख रहा होगा इंडिया गेट। जगह जगह खाने की व्यवस्था थी वो सब बंद हो गई, बाथरूम की सुविधा कर रखी है, बोर्ड लगा रखा है शौचालय है, मस्त कर दिया सच में। और ये सब चेंज कर दिया, पूरा चेन वेन लगा के एकदम बदल दिया है, जो बालू डाल रखी थी तो उसको पक्का कर दिया है। और जो इसका नाम भी बदला है, जो पहले राजपथ था वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। और साइन बोर्ड लगा रखे बहुत सारे, जैसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। मैं आपको बता दूं अगर आप इंडिया गेट आना चाहते हो, यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी है तो वो भी पास में ही है, हम वहाँ भी जाएंगे। तो आप इंडिया गेट आते हो तो वॉर मेमोरियल ज़रूर जाना। और अगर आप मेट्रो से आना चाहोगे तो सेंट्रल सेक्रेटरी के नाम से मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में। अगर आप कहीं भी आते हो तो मेट्रो से ही ज़्यादा अगर ट्रैवल करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेट्रो हर जगह अवेलेबल है, मेट्रो या फिर DTC बस, तो मेट्रो आपको हर जगह दिख जाएगी। अगर आप इधर भी आना चाहते हो तो मेट्रो से हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटरी के नाम से हैं, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पर मैं आके बैठा हुआ था, तो वहीं आपको कर्तव्य पथ दिख जाएगा और सामने है इंडिया गेट और बैक साइड में राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट सामने है और इंडिया गेट जाने के लिए पहले हम यहाँ से जाते थे इसी रोड से, रोड क्रॉस करके, काफ़ी डेंजर होता था क्योंकि इधर रेड लाइट नहीं है, रोड चलता हुआ है। लेकिन अब इंडिया गेट जाने के लिए अंडरपास का प्रयोग करें, अंडरपास बना दिया है इसका रास्ता यहाँ से, तो अब अंडरपास से चलते हैं, देखते कैसा है। इंडिया गेट जाने के लिए पहले जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पार करना पड़ता था बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए काफ़ी डेंजर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अंडरपास बना दिया है, बहुत बेहतरीन है, दिखाता हूँ अभी आपको जाके। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नवीकरण से पहले, और ये पहले का था, पहले ऐसा था जो मैं आपको बता रहा था कि रेत पड़ी होती थी और अब ऐसा बना दिया। और ये रहा इंडिया गेट, अंडरपास इज़ देयर, अंडरपास भी काफ़ी बड़ा है, काम चल रहा है अभी शायद। मोदी गवर्नमेंट का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसके अंदर ही आता है ये सारा जो भी एरिया बनाए हैं। और अंडरपास सच में बहुत बड़ा है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो अभी भी काम चल रहा है, और ये डायरेक्ट रोड क्रॉस करके इंडिया गेट वाली साइड जाएगा, काफ़ी स्पेस है यहाँ नीचे भी, और ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं और लाइटिंग भी है, बहुत शानदार लग रहा है यार। ये सारा अभी का है, अभी की पिक्चर सही है, ये पहले की थी, पहले ऐसा कच्चा था और बनने के बाद अब ऐसा। ये जो लाइट के पिलर हैं उनके बारे में, अगर आप लोग भी दिल्ली आते हो तो इंडिया गेट ज़रूर विजिट करना, बहुत शानदार बना दिया जैसे कि आपने देखा है। और प्लीज़ आते हो तो आप इधर उधर कचरा ना फैलाना, जैसे खूबसूरती है उसको बरकरार रखना। और देखो कितना स्पेस है, अंडर पास भी छोटा नहीं है, तो रोड क्रॉस करने के लिए होता, काफ़ी बड़ा बना है, बहुत बड़ा। ये अंडर पास रोड के उस साइड से इस साइड निकलता है, फिर हम इस साइड आ गए, अभी एक और रोड पड़ेगा, फिर दोबारा अंडर पास है वहाँ, फिर उसके बाद इंडिया गेट है शायद। अगर आप रात में आते हो यहाँ तो आपको ड्रोन शो भी देखने को मिल जाएगा, लाइटिंग वाइटिंग मस्त होती है रात के टाइम यहाँ। ये
ये वाले फाउंटेन की मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये आगे भी हुआ करते थे लेकिन शायद हटा दिए इन्हें। अब ये इंडिया गेट के सामने ही है और पानी मैं आपको दिखाऊं, ये पानी मुझे याद है जब मैं पहले आया था, एकदम हरा पानी होता था काई वाला, और एकदम फरस भी दिख रही है नीचे की अब मस्त। ये फाउंटेन अभी चालू नहीं है, बंद है। ये फाउंटेन जो है आगे तक थे पूरा जहाँ तक ये पानी जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल अब सारे हटा दिए, शायद एक ही है बस ये और एक उस साइड होगा। हीरा इंडिया गेट और इससे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सुभाष जी की स्टेचू, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है कितनी क्लोज है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस है जैसा कि आप देख रहे हो, सर्कल से आउटसाइड ही है। कुछ चेंजिंग आया इंडिया गेट में भी, इसके बीच में अमर जवान ज्योति हुआ करती थी जो कि वॉर मेमोरियल में है। आपने 15 अगस्त के प्रोग्राम में देखा होगा मोदी जी यहाँ नहीं आए थे, वॉर मेमोरियल गए थे, तो वहाँ है अमर जवान ज्योति, वो भी यहीं पास में ही है, और सामने सुभाष जी की स्टेचू, काफ़ी बढ़िया यार ये तो। अब चलते हैं गाइस वॉर मेमोरियल, जहाँ पर हमारे शहीद जवान थे उनके लिए एक याद में उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है मोदी गवर्नमेंट के अंदर, तो वहीं चलते हैं। यहाँ से पास में ही है सुभाष जी की मूर्ति के जस्ट लेफ्ट साइड में परम योद्धा स्थल, और वो रहा वॉर मेमोरियल की एंट्री, वहाँ से हो रही है, और ये सुभाष जी की स्टेचू, ये रहा इंडिया गेट। जो इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति थी वो यहाँ वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया। अभी मैं जस्ट आके बैठा हूँ यहाँ, यार इंडिया गेट डाउन ना चलना बहुत पड़ता है यहाँ, सीधे सीधे रोड बना रखे हैं बस चलते रहो। तो आपने जैसे कि वॉर मेमोरियल देखा, बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन अंदर सेल्फी स्टिक ट्राईपोड या माइक वाइक ये सब अलाउ नहीं है, आपसे लेंगे नहीं वो, आपसे कहेंगे कि अपने बैग में रख लो, तो फिलहाल मैं उसका यूज़ नहीं कर पाया अंदर, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। जो भी आपने सिनेमेटिक शॉट देखे वो सारे फ़ोन के थे, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।